हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज क्लास में डिस्कशन करवा तो केमिस्ट्री के किसी फंडामेंटल क्वेश्चन जोटा कि आपंकर अपकमिंग हाईस्कल टीचर मेन एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट रहा है। तो वीडियो को आप फास्ट लास्ट कम्प्लीटली देखिए, वीडियो को लाइक करेंगे सब सांग सहित वीडियो को सेयार करेंगे। आज जो मैंने चैनल को फास्ट टाइम आसान चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे एवं लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबें। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन टी आप रहा देखो, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन रहा मेटालिक लस्चर इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल। तो आपको कही लस्चर ठीक अच्छे, मेटालिक लस्चरटा आपंकर क्यों नॉन मेटल देखा जाए। तो आपको देखो आयोडीन देखिए, ग्राफाइट देखिए ना, बोथ देखिए ना, नॉन ऑफ देखिए। तो करेक्ट आंसर टी मन रखिए मेटालिक लस्चर आपंकर आयोडीन क्षेत्र में और ग्राफाइट क्षेत्र में आपंकर बोथ देखा जाए। तो ऑप्शन सी आसो आर करेक्ट आंसर। तो ये पीडीएफ आप चाहते हैं टेलीग्राम में जॉइन पे, टेलीग्राम चैनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लाइमस्टोन आपको देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो ऑन डिकम्पोजिशन, तो मन रखिए आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो लाइमस्टोन जो डिकम्पोज होता है तो सी आपर कौन फॉर्मेशन करता है ना, सी आपर सीएओ जोड़ा हूँ क्विक लाइम ठीक अच्छे। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपर सीओओ कैल्शियम ऑक्साइड आपर फॉर्मेशन करता है और सहित कार्बन डाइऑक्साइड किसी बाहर था। तार करेक्ट आंसर आसो ऑप्शन डी मन रखिए समस्ते। नेक्स्ट देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन मन रखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो कार्बन गोटे क्योंटे आलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन ठीक अच्छे, कार्बन क्योंटे गोटे आलोट्रॉपिक फॉर्म। तो डायमंड देखिए फुलेरिन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड फुलेरिन देन ग्राफाइट देन ऑल। तो देखो ऑल अच्छे ऑल करेंगे कारण ग्राफाइट फुलेरिन आपंकर डायमंड तीन टाक फाट इज कार्बन, कार्बन गोटे कौन, कार्बन गोटे कौन बोली पचार नॉन मेटल मेटल मेटालॉइड। तो कार्बन गोटे कौन ना आपंकर नॉन मेटल ठीक अच्छे। नेक्स्ट द क्लीनिंग वर्क इज डन वेल बाय सोप। तो आपंकर जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो आपंकर हार्ड वाटर रही है ना सॉफ्ट वाटर ना बोथ टाइप ऑफ वाटर ना ऑल स्टेटमेंट ट्रू। तो कौन हो पारे तो मन रखिए पचार क्लीनिंग वर्क इज डन बाय सोप। तो आपंकर देखो करेक्ट आंसर आसो बी सॉफ्ट वाटर हो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर डायमंड सॉरी व्हाट आर डायमंड एंड ग्राफाइट ऑफ कार्बन, कार्बन कार्बन ग्राफाइट और डायमंड कौन ना आपंकर ग्राफाइट और डायमंड कार्बन गोटे आलोट्रोपिक फॉर्म। तो करेक्ट आंसर टी आसो देखो तो ऑप्शन नंबर आपंकर देखो डायमंड ग्राफाइट यहाँ आलोट्रोपिक फॉर्म ठीक अच्छे। नेक्स्ट डिफाइन एयर, एयर गोटे कौन ना एयर गोटे मिश्रण, एयर गोटे मिश्रण। तो ये पचार क्वेश्चन तो एयर गोटे केमिका मिश्रण, तो आप मन रखिए एयर हूँ गोटे होमोजेनियस मिक्सचर ठीक अच्छे, नॉट हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस आम जापर ना, तो आम गोटे एयर बहुत क्वांटिटर सब जिनस मिसिक अच्छे। तो आम कहीपर एटा नाइट्रोजन एटा ऑक्सीजन एटा फ्लोरीन सरी एटा आर्गन आम एमपर तो से होमोजेनियस। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एलिमेंट नॉर ए कंपाउंड। तो आभर क्यों गोटे नाइदर एलिमेंट नॉर कंपाउंड, मर्क्यूरी वाटर एयर सोडियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर आसो एयर, एयर इज ए मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, आ भितर क्यों गोटे कंपाउंड। तो कंपाउंड आपंकर गोटे सैंड हो सिलिकॉन ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जोटा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज गन पाउडर, गन पाउडर कौन ना गन पाउडर हूँ आप मन रखिए कंपाउंड मिक्सचर लिक्विड ना डी ऑप्शन नॉन ऑफ दी। तो आप जानपर थे गन पाउडर हूँ कौन ना गन पाउडर हूँ गोटे मिक्सचर ठीक अच्छे। नेक्स्ट गन पाउडर कहार मिश्रण मुझे तीन दिन तले गोटे क्लास नहीं, तो से क्लास कही तो आप कमेंट करेंगे किसी भी इश्यू ना। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आभर क्यों गोटे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गोटे भल भाव कंडक्ट करता है ठीक अच्छे। तो आपर करेक्ट आंसर आसो ग्राफाइट, समस्त जानते तो ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्राफाइट आप यूज होता है पेनसिल मन रखिए। नेक्स्ट व्हाट इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ आटम, सेम टाइप ऑफ आटम है आपर कौन ना एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आसतु व्हाट इज फॉर्मड बाय मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस इन एनी रेशियो। तो दुटा कि दुई अधिक सब्सटेंस को गोटे प्योर गोटे आपंकर एनी रेसीो रे मिसेवा को आम कौन कह लिक्विड सॉलिड मिक्सचर एवं आपर गैस। तो मिसेवा मैंने ऑब्वियसली मिक्सचर। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए मेटल। तो मेटल हो कि इलेक्ट्रिसिटी को भलसे कंडक्ट कर पारे ना, तो सी हूँ आप लेड है। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, तो आभर क्यों गोटे कंपाउंड। तो आपंकर अमोनिया ओजन एयर मर्क्यूरी। तो आप जानपर थे कंपाउंड आपंकर कौन ना आमोनिया ठीक अच्छे, कारण डिफरेंट काइंड ऑफ आटम गठित होगा गोटे नाइट्रोजन गोटे हूँ हाइड्रोजन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आभर क्यों गोटे इलेक्ट्रिसिटी को भलसे कंडक्ट कर पारे जानपर थे ऑप्शन नंबर बी रही। तो आम जितकी क्वेश्चन डिस्कसन करें सब फंडामेंटल आपंकर बेसिक कनसेप्ट को लेकिन। नेक्स्ट देखिए
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक। तो अल्कोहलिक ड्रिंक रे आपन कर कोन थाए इथानॉल, तो आपन को देछि कि तो इथानॉल बी रे अछि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देछि नेक्स्ट अपन क्वेश्चन टी रहला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म। एटा जनरली पचारे ठीक है, जेटा मने रख देबे डायरेक्ट क्लोरोफॉर्म बॉइलिंग पॉइंट आपन कर पाखे कि 334 केल्विन। नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो आ भितर केउटी वाटर रे इनसॉल्युबल, तो वाटर रे इनसॉल्युबल होउछि कि ने इथेन इथिन इथिन, तो ऑप्शन ए आसीबो इनसॉल्युबल इन वाटर होउछि इथिन। नेक्स्ट व्हिच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल, तो आपनकर पेंसिल कथा कहि माने तो आपन ग्राफाइट करबे एमे ही कहले आपनकु ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर आपनकर ऑप्शन नंबर देखंतु सी। सिलिका कोन, सिलिका होउछि गोटे कोन ना आपनकर सिलिका होउछि गोटे मेटलॉइड मनुखि, सिलिका होउछि मेटलॉइड सिलिका। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए इफ एन आलोय कंटेन्स ए मेटल मर्क्यूरी व्हाट इज इट कॉल्ड, जदि गोटे आलोय मेटल मर्क्यूरी आप कंटेन गला तमें कौन कहता आम कौन कह एमलगम कह, तो आप जानते जेड एन एच जी आप यूज होता है कौ रिएक्शन ने ना आपर समस्त जानते यहाँ हूँ आम जो दुटार रिएक्शन रहा गोटे हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन आउ गए हूँ आपणकर क्लेमेंसन रिडक्शन जेनराली यूज होता है यहाँ कौन ऑप्शन सी एमलगम टा जिंक एमलगम। गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन, तो क्यों गैस आपर प्रोड्यूस होता है जितने रिएक्शन होता है स्टीम सहित आयरन तो मन रखिए हाइड्रोजन गैस आपर बाहर था। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आटम्स इन देयर फॉर्मेशन है, तो करेक्ट आंसर आसो डी ऑप्शन बेंजीन। नेक्स्ट देखिए हु आज द इन्वेंटर ऑफ आपर पोजिस्टन, पोजिस्टन उद्भावक किए, प्रोजिस्टन उद्भावक किए ना आपर एटा हूँ एंडरसन हम करेक्ट। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर बाय, तो आप जानते न्यूट्रॉन आपर जेम्स चादविक। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, तो भितर जब आम देखा क्यूरी आप सी ऑप्शन रेडियो एक्टिविटी रही तो आपर जो हेनरी बैक्वेल नाँ भी आपर यूनिट रही है बैक्वेल यूनिट आपर मेजर कराए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो आभर क्यों गोटे ग्रीन हाउस गैस नुहे तो जापारे ऑप्शन बी आसो नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट ऑफन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड रे आपनकर सॉल्युबल इन वाटर, तो प्रॉपर्टी आपनकर ऑफन प्रेजेंट बहुबार आपनकर प्रेजेंट नथाय। इट इज इजी टू मेक स्टोन बाय बीटिंग मेटल्स व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल डज इट इंडिकेट, तो इट इज इजी टू मेक स्टोन बाय बीटिंग मेटल व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डज इट इंडिकेट, तो करेक्ट आंसर है मन रखिए ऑप्शन बी जोटा हूँ मालियाबिलिटी आम कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु नेक्स्ट है थीन वेयर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पीस ऑफ मेटल व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इट रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो करेक्ट आंसर है आपको मैं टेंसाइल प्रॉपर्टी बोली कही कौन कही टेंसाइल। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है फूड इज कुक्ड इन ए मेटल यूटेंसिल बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ हीट, तो मन रखिए फूड इज कुक्ड इन ए मेटल यूटेंसिल बिकॉज तो इट इज द सोर्स ऑफ हीट, तो इट इज ए गुड कंडक्टर ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड मानक होचे हाई। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए व्हिच मेटल कैन बी कट विथ ए नाइफ एमंग सोडियम लिथियम कैल्शियम एवं निकेल, तो करेक्ट आंसर टी आसो सोडियम है सोडियम। नेक्स्ट नेक्स्ट आप सिल्वर एंड कॉपर हीट आपणकर देखु सिल्वर आउ कॉपर डैश हीट, तो आपणकर कौन ना ये होती आर बेस्ट ड्राइवर्स ऑफ हीट है, तो ऑप्शन ए आसो। नेक्स्ट देखिए द कार्बन टेट्राक्लोराइड जो सीसीएल फोर इज, तो सीसीएल फोर हूँ गोटे कौन ना यहाँ हूँ गोटे ऑप्शन ए आसो नॉन पोलार मॉलिक्यूल विथ पोलार बॉन्ड, नॉन पोलार मॉलिक्यूल विथ पोलार बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए तो तार एक्सप्लेनेशन देखिए आप चाहिए पढ़ी पारे। नेक्स्ट देखिए व्हिच स्टेट ऑफ मैटर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन मिनिमम, ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैशटैग मारि रखु क्यों स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल रे है सॉरी क्यों स्टेट ऑफ मैटर रे, तो आपको कहे डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल मिनिमम, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मान भितर मिनिमम डिस्टेंस होची सॉलिड गैस रे, तो व्हिच आपन को देची व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय सोलार सेल, तो करेक्ट आंसर आज सोलार एनर्जी। नेक्स्ट देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन ऑफ कॉपर, कॉपर पर जिंक है तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए मिथेन एंड एयर पॉल्यूटन इज प्रोड्यूस्ड, तो मिथेन गोटे एयर पॉल्यूटन जोटा कि आपर देखो बी ऑप्शन ये करपर बाय डाइजेशन ऑफ फूड, तो आपको ये बी ऑप्शन डाइजेशन ऑफ फूड बाय एनिमल,
तो एनिमल माने जितले फूड डाइजेशन करंती सेटा गैस भी बाहर थाए तो सेटा मीथेन भी आपनकर बाहर थाए सेटु ठीक अछि। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डजंट कंटेन ऑक्सीजन तो केउ सब्सटेंस रे ऑक्सीजन नाही तो जानि परथु किरोसिन। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील होउछि कोन एटा आपनकर मिक्सचर ठीक अछि। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इंपोर्टेंट। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होउछि प्लाज्मा हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होउछि गोटे कोन ना ब्लीचिंग पाउडर भी एटा आपनकर अछि गोटे एटा गोटे कंपाउंड CaOCl2 ठीक अछि कंपाउंड। नेक्स्ट एवरी मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स हु सेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको आपंकर कहते किए ना आपंकर कर्नड कही ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो व्हाट इज कोल। कोल हूँ गोटे एलिमेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए रबर इज ए पॉलीमर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। रबर हूँ गोटे पॉलीमर कह रहा यहाँ हूँ आप आइसोप्रिन। नेक्स्ट देखिए ऑयलेड पेपर। ऑयल्ड पेपर जोटा ऑयल्ड पेपर हूँ कौन ना यहाँ हूँ अपाक मीडियम अपाक। नेक्स्ट देखिए द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन ए डिफिनेट प्रोपोर्शन कंसीडरिंग द क्वांटिटी इज कॉल्ड तो ताको आम कही था आपणकर कौन एलिमेंट बोली कही था कौन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन जदि देखु टू और मोर एलिमेंट जदि आपणकर अलग सब्सटेंस दुटा कि दूरी अत्यधिक अलग सब्सटेंस मिसले तो कंपाउंड फॉर्मेशन हम सेम टाइप ऑफ मेटल मिसिकी फॉर्मेशन कले सेम टाइप आटम मिसिक फॉर्मेशन कले एलिमेंट बोली कहवा। सेम है एलिमेंट डिफरेंट है कंपाउंड मन रखुद एलिमेंट दैट हाव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल आउ नॉन मेटल। नॉन मेटल मेटल बोथ जो प्रॉपर्टी शो करे ताको मेटल एड कहा जाए। तो ओवरऑल आम डिस्कशन कले कि जनरल केमिस्ट्री क्वेश्चन आशा करूँ आपको वीडियो भल लगे जब भल लगे निहत लाइक करूँ सांस वीडियो को सेयार करूँ चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल कैंडली सब्सक्राइब कर अल्ल नोटिफिकेशन को अन कर दिखाँ एपर लाटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। सो थैंक यू।